मतलब उनके बारे में सोचो कि अगर कल हमें कुछ हो जाए ना, तो आपके माँ बाप के साथ क्या होगा? उनका ख्याल कौन रखेगा? उनकी केयर करने वाला होना चाहिए कोई। तो भाई जब आप लोग बाइक तेज चलाओगे तो फिर क्या, कौन कहाँ रहेगा? अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो कैसे हैं आप सब? और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, हाल आप सब लोगों को सलामत रखे। तो आज हम लोग किसी नेचर को एक्सप्लोर नहीं करने जा रहे हैं, तो आज हम शोपियन जाने वाले हैं। शोपियन इसलिए जाने वाले हैं क्योंकि आज अपने मदन भाई का वहाँ पे इंटरव्यू है, तो हम लोग आज वहीं पे अपना वीडियो शूट करेंगे। तो साथ में देखते हैं मदन भाई को क्या किन किन सवालों का जवाब सुनना पड़ेगा, और वो भी आप लोगों को उसमें से भी कुछ कुछ दिखाएँगे, लेकिन पूरा नहीं दिखा सकते, ठीक है? तो जो कुछ भी देखने को मिलेगा, जो कुछ भी सुनने को मिलेगा, वो सब आप लोगों से शेयर करते रहेंगे, और ये भी दिखाएंगे कि हमें जाना कहाँ पे है, ठीक है? इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का ब्लॉग, ठीक है? तो इस बंदे को देखो, काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो गया है, थोड़ा सा डर भी है, थोड़ा सा डर है जिसको, अब ये बयान नहीं कर पा रहा है, लेकिन डर है बंदे को। तो आज फाइनली हम लोग ठंड भी लगी थी काफ़ी ज़्यादा, और इतनी ज़्यादा ठंड लगी थी मुझे अपर ख़रीदना पड़ा सीजन में। आप भाई के साथ जितने भी सवालात होने वाले हैं ना, तो भाई मैं कोशिश करूँगा कि मैं वो सब शूट करूँ, और देखते हैं अगर उन्होंने वहाँ पे शूट करने दिया तो फिर दिखाऊँगा अपने चैनल पे पूरा। लेकिन फ़िलहाल भाई को क्या हो रहा है वो मुझे भी नहीं पता, बट मुझे डर लग रहा है। फील कर सकता हूँ। हाँ हाँ वो मैं फील कर सकता हूँ। हाँ मेरे को डर लग रहा है, मुझे लगता है शायद भाई भी रह रहे होंगे। फिलहाल हम लोग पहुंच गए हैं जहां पे मदन भाई का इंटरव्यू है, मतलब होने वाला है। तो अभी गेट के बाहर हैं हम लोग, वेट कर रहे हैं। तो देखते हैं, अभी अंदर जाना है कैंप के अंदर, तो शायद हमें वीडियो बनाने के लिए अंदर मोबाइल लेके जाने देंगे। देखते हैं क्या कुछ होगा, क्या हो रहा है यहाँ पे। भाई को इंट्री होने वाला है, ठीक है? कैंप के अंदर है ये, होने वाला है मदन भाई का इंट्री। वो चेक करो कहाँ पे, अभी मेरे को भी अंदर जाना है। मदन भाई का क्या रिएक्शन होगा उसके बाद, यहाँ पे मैं अंदर जाना है। पत करो स्टार्ट झूठ सीजन चलन अथ मुतलिक आओ आज की खास आ पेशेंट दबाओ फक गाइस, मदन भाई का जो इंटरव्यू है वो हो गया है, और हम लोग वहाँ से निकले, ठीक है? तो अब क्या पता अपने साथ क्या पोपट हो गया था। हम कैब के अंदर थे और अपनी बाइक की जो एलईडी थी वो ऑन रह गई थी, और चाबी भी इससे में रह गई थी। तो अब वहाँ से मान लो धक्का मार मार के निकालनी पड़ी बाहर। आज पहली बार अपने साथ ऐसा हुआ, अपनी बाइक के साथ ऐसा हुआ। ऐसे गलती मेरी है क्योंकि मैंने इसमें से चाबी नहीं निकाली थी, ठीक है? मैंने स्विच ऑन करके रखा था और ये चक्कर हो गया था। तो और मदन भाई का जो मतलब यहाँ का इंटरव्यू जो कहाँ किस चैनल पे आने वाला है, और वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगा। और मैं नहीं, मतलब मदन भाई बोलेगा वो किस पे आ जाएगा, शायद मदन भाई की चैनल पे भी आ सकता है, मतलब इंस्टा आईडी पे। और जो लोग मदन भाई को जानते हैं उनको पता ही होगा। तो भाई जो कुछ भी मतलब वहाँ पे बातें हुई है, जो कुछ भी हो गया, जो कुछ भी मतलब फनी जोक्स हो गए हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे बातें हो गई है, और जो कुछ भी हुआ है सब मदन भाई की आईडी पे मिल देखने को मिलेगा। और बाकी आपको मदन भाई बोलेगा क्या करना है। दोस्तों जिस जिसको भी वीडियो देख रहे हैं कि क्या मसला हुआ वहाँ पर, वो मेरी प्रोफाइल चेक करो दामादन इंस्टाग्राम पर, उन लोगों ने कोलैब किया मेरे साथ, तो आप लोग देख सकते हैं मेरे प्रोफाइल पर भी। रेडियो पाई का शुक्रिया, थैंक यू, लव यू ऑल। आगे क्या कुछ देखने को मिलेगा, तो सारी मदन भाई को कुछ चाहने वाले मिल गए, ठीक है? तो अभी वीडियो 1-2 hours later ओए मैं इंसान के
अभी आप लोगों ने देखा ही होगा कि कितना मतलब बुरा एक्सीडेंट हुआ है। तो मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि ज़्यादा तेज़ बाइक मत भगाएं, क्योंकि तो मेरे सामने जो एक्सीडेंट हुआ दायलट दब उमर भाई ने मन वार पकु वार पकु मगर यमो मोन न सोन कि पकान फायर जुमो खड़ स्पीड तो बुथ आई गाड़ी मुसन ओर ठोल तो आख पे जंग पंग छन सर खत्म गो खेल। इसलिए गुजारिश है आप सब लोगों से, आपकी गलती की वजह से दूसरे की जान चली जाती है, ठीक है। खासतौर पर अगर आप अपनी जान की परवाह करोगे तो आपके माँ बाप सही रहेंगे। अब जब उसके माँ बाप घर पे ये सब सुनेंगे तो उन पर क्या बीतेगी ये उनको ही पता है, ये खाली एक माँ बाप ही समझ सकता है, ठीक है। तो अभी घर पे सीधे मिलते हैं। सो फाइनली गाइस मैं घर पे पहुँच गया हूँ। मैं एक ही मतलब मेरा जो दिमाग है मतलब काम नहीं कर रहा है, इस टाइम भी काम नहीं कर रहा है। तो भाई कुछ लोग ऐसे भी थे वहाँ पे जिनको मतलब बता करके मैं गाड़ी मांग रहा था भाई उनकी हेल्प करो, लेकिन भाई कोई मानता ही नहीं था। मतलब कुछ लोगों का ज़मीर जो है वो सो गया है, पूरा का पूरा सो गया है। और ज़्यादा बातें भी नहीं करूँगा क्योंकि मेरा दिमाग जो है ना मतलब पूरा का पूरा सुन हो गया, मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे क्या बताना है। तो बस एक ही बात बोलूँगा भाई कि भाई जो है आप लोग मेहरबानी करके दीदी चलाएं, तो जो आज उनके साथ हुआ वो कल और किसी के सामने होना चाहिए। इसलिए मेहरबानी करके आप लोगों के सामने हाथ जोड़ रहा हूँ मैं, बाइक को धीरे चलाएं। एक का बाजू टूट गया, ठीक है, और दूसरी का टांग टूट गई, तीसरा पता नहीं भाई उसको क्या हुआ। फिर मैं उनके पास नहीं गया। और जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं, जितने भी मेरे भाई वीडियो देख रहे हैं, आज के बाद कभी भी कोई बाइक नहीं तेज चलाएगा। अगर अपनी फिक्र नहीं है तो कम से कम अपनी माँ बाप की फिक्र करो, उनके साथ मतलब उनके बारे में सोचो कि अगर कल हमें कुछ हो जाएगा तो आपके माँ बाप के साथ क्या होगा, उनका ख्याल कौन रखेगा, उनकी केयर करने वाला होना चाहिए कोई। तो भाई जब आप लोग बाइक तेज चलाओगे तो फिर क्या, कौन कहाँ रहेगा, इस टाइम उसके माँ बाप पे क्या बीत रही होगी, जब वो सुनो कि उसके भाई बहनों पे क्या बीत रही होगी। बाइक धीरे चलाएं और कुछ नहीं, बाय, अल्लाह हाफिज़।